सो हे गाइस, आ चुकी है भुज प्राइड ऑफ इंडिया। एंड कहीं ना कहीं इस मूवी को शेरशाह से कंपेयर किया जाएगा, मतलब लोगों द्वारा, मेरे द्वारा नहीं। एंड जैसे इस ट्रेलर ने हमें मोटिवेट करा था, वैसे क्या इस पूरी मूवी ने हमें मोटिवेट करा है? भाई मानता हूँ बॉलीवुड वालों को ट्रेलर काटना नहीं आता, बट इस मूवी का सेकंड ट्रेलर वाज गुड। तो इन सब बातों पे करेंगे चर्चा। एंड इस वीडियो को देखने के लिए नहीं लगता है खर्चा, तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। तो शुरुआत करते हैं इसकी कास्ट से, क्योंकि इसकी कास्ट में बहुत अच्छे अच्छे एक्टर्स हैं, जैसे नोरा फतेही। अबे साले, फर्स्ट बात करते हैं उसकी, जिसकी वाइफ हमें दांत सफेद करने की स्कीमें भेजती है, और वहीं पर उसका पति हमें विमल खिला के दांत और आंत दोनों काले करने की सलाह देता है। जी हाँ, आप वो समझ ही चुके हैं, वो है अजय देवगन। एंड इस मूवी में इन्होंने विजय कार्णिक का रोल प्ले करा है, जो कि इंडियन एयरफोर्स के पायलट थे। सेकेंड है संजू बाबा, जिन्होंने रोल प्ले करा है रणछोड़ दास पागी का। एंड इससे ज़्यादा इस कैरेक्टर के बारे में बताऊंगा तो स्पॉइलर हो जाएगा। अगर तुम इनकी मूवीज़ देखोगे तो इन्होंने हिंसा ना करने की एंड ना जाने कितने अच्छे अच्छे ऐसे मैसेज दिए हैं अपनी मूवीज़ के थ्रू। एंड लगेगा कि संजू बाबा तो एकदम देवता इंसान है, इनसे बढ़िया और सच्चा नशेड़ी दुनिया में कोई नहीं है। थर्ड नंबर पर आती है जिसका घर का नाम है रामायण, जिसके दो भाइयों का नाम है लव और कुश, और जिसके पापा का नाम है शत्रुघ्न। मतलब जिसका पूरा घर रामायण के कैरेक्टर से भरा पड़ा हुआ है, फिर भी उन्होंने आंसर क्या दिया? सीता लग रहा। संजीवनी बूटी किसके लिए लाए थे? राम, तुमसे ना हो पाएगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सोनाक्षी सिन्हा, मतलब सिन्हा के बारे में। एंड इन्होंने सुंदर बेन का रोल प्ले करा है। फोर्थ है सोनाक्षी को तगड़ा कॉम्पिटिशन देने वाली नोरा फतेही। एंड इन दोनों के बीच इतना तगड़ा कंपटीशन देखने को मिलेगा कि कौन ज्यादा ओवर एक्टिंग कर सकता है। इस मूवी में उन्होंने जालिमा कोका कोला के अलावा स्पाई का रोल प्ले करा है। फिफ्थ है शरद केलकर, ले गए फैमिली मैन की वाइफ पेलकर। जी हाँ, ये वही हैं जिन्होंने अरविंद का रोल प्ले करा है फैमिली मैन में। एंड इन्होंने बहुत सारी मूवीज, टीवी शो, वेब सीरीज करी हैं, जिनमें से स्पेशल ऑप्स ले लो। मूवीज में इन्होंने तानाजी करी है, हाउसफुल 4 करी है, मोहनजोदारो करी है, एंड बहुत सारी मूवीज करी है। इनमें से कुछ ये मेन बता रहा हूँ मैं। इस मूवी में उन्होंने आर के नेर का रोल प्ले करा है, जो कि एक मिलिट्री ऑफिसर थे। सिक्स्थ हैं अपने गानों से रुला देने वाले एमी विरिक। एंड इन्होंने फ्लाइट लेफ्टिनेंट विक्रम सिंह बाज का रोल प्ले करा है। यार मुझे दुख इस बात का कि एक भी गाना इनका इस मूवी में नहीं है। एटलीस्ट यार एक तो गाना देना चाहिए था ना। मूवी के डायरेक्टर हैं अभिषेक ददैया, आई एम सॉरी अगर मैं नाम गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो। इससे पहले ये टेलीविज़न शोज़ को डायरेक्ट करा करते थे। एंड ये उनकी पहली मूवी है जिसमें इन्होंने राइटिंग, डायरेक्टिंग एंड प्रोड्यूस भी इन्होंने ही करी है। एंड आई थिंक VFX खराब होने का रीज़न ये रहा होगा कि उन्होंने मूवी प्रोड्यूस करी है, तो मे बी बजट काफ़ी लिमिटेड रहा हो। बात करें मूवी के प्लॉट की, तो स्टोरी बेस्ड है कि कैसे 300 भुज विलेजर्स, जिनमें से ज़्यादातर महिलाएँ थी, एंड उन्होंने अपनी जान खतरे में डाल के कैसे उस एयर स्ट्रिप को 72 आवर्स में सही करा। एंड अगर आप मूवी को देखोगे तो और आगे पता चलेगा आपको कि कैसे कैसे उन्होंने कितनी मेहनत करी। लाइक उनके पास इक्विपमेंट्स नहीं थे एंड ना ही उनके पास रॉ मटेरियल था, फिर भी उन्होंने पूरी एयर स्ट्रिप को बनाया, जिसकी वजह से हम कॉन्करर कर पाए भुज पर, भुज एयर बेस को बचा पाए। ऑलरेडी आपको थोड़ी बहुत स्टोरी तो पता ही है, बट बिलीव मी अगर आप उसको स्क्रीन पर एज अ मूवी के फॉर्मेट में देखोगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा एंड आपका एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहेगा। बात करते हैं मूवी में मुझे क्या अच्छा लगा। फर्स्ट चीज़ जो मुझे काफ़ी अच्छी लगी वो है क्राउड वर्क, या क्राउड मैनेजमेंट भी कह सकते हो। एंड इतने लार्ज स्केल पे क्राउड से काम करवाना इजी टास्क नहीं होता। आप अपने स्कूल के फंक्शंस पे भी देख सकते हो कितनी मेहनत लगती है। सेम ऐसा ही है यहाँ तो, 300-400 का क्र्यू मुझे ऐसा लग रहा है, एंड इतने ज़्यादा क्र्यू मेम्बर्स के साथ काम करवाना इजंट ईजी। सेकेंड, मुझे शरद केलकर की तारीफ करनी पड़ेगी यार, मतलब उन्होंने इस मूवी में जो बॉडी लैंग्वेज दिखाई है ना, वो कहीं से ऐसा नहीं लगता कि वो एक्टर है, ऐसा लगता है कि यार वो एक सोल्जर है। तक भुज एयरफील्ड पर विजय कार्णे रनवे रिपेयर नहीं कर लेते तब तक हमें दुश्मन को रोकना होगा। एंड वहीं पे एमी विरिक की भी एक्टिंग कुछ कम नहीं है। इन दोनों कैरेक्टर्स में जो स्पिरिट इन्होंने दिखाई मूवी में, मतलब बाकी कैरेक्टर्स की थोड़ी कम थी बट इन दोनों की सबसे ज्यादा थी। और अगर जरूरत पड़ी तो बलिदान देना है। थर्ड यह है कि डायलॉग्स पोएट्री साउंड कर रहे थे, बट अगर इन्हीं डायलॉग्स को आप थिएटर में सुनते तो सही में आपके गूज़बम्स आ जाते। और हम तैयार हैं सीना लिए अपना इधर, खून से खेलेंगे होली, घर वतन मुश्किल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में। मुझे तो डायलॉग्स में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं लगी, बट कई लोग कह रहे थे कि यार डायलॉग्स थोड़े पोएट्री साउंड कर रहे हैं, बट मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा इतना ज़्यादा, और मुझे डायलॉग्स भी काफ़ी पसंद आए।
वैसे एक शिकायत ये है कि यार बॉलीवुड वालों को ट्रेलर काटना नहीं आता, मतलब जो इन्होंने भुज का फर्स्ट ट्रेलर दिखाया था उसमें सारी स्टोरी रिवील कर दी थी कि कौन सा कैरेक्टर क्या प्ले कर रहा है। फिर उसके बाद जो उन्होंने सेकंड ट्रेलर जो निकाला वो काफ़ी ज़्यादा बेटर लगा मुझे उससे, एंड वो सिर्फ 1.5 मिनट का था। वैसे मूवी की नरेशन, एग्जीक्यूशन एंड डायरेक्शन तीनों ही काफ़ी बढ़िया थी, प्लस इसका जो एक थीम सॉन्ग है जो आप ट्रेलर में भी सुना होगा वो भी काफ़ी बेस्ट लगा मुझे। तो कुछ ड्रॉबैक्स लगे मुझे इस मूवी में, फर्स्ट इज पुअर VFX, एंड यार मुझे पहले देख के लगा यार इतने ख़राब VFX हैं, थोड़ा और मेहनत कर लेते इस पैटलिस्ट। फिर जब मुझे पता चला कि वो अभिषेक जी की पहली मूवी है तो यार इतना तो चलता ही है, हर एक से गलती होती है, तो इस गलती से होप अभिषेक जी सीख एंड नेक्स्ट मूवी में ये कुछ अच्छा VFX डालें। सेकंड, पूरी मूवी आपको गूज़बम्प्स दे देगी पर नोरा फतेही का डायलॉग आपके बम पे लात दे देगा। अगर ये मूवी को थिएटर में रिलीज करते ना तो लास्ट में स्टैंडिंग ओवेशन मिलता नोरा फतेही को देख के, नहीं मूवी को देख के। एट लास्ट यार इस मूवी को ज़रूर देखना, एंड मुझे ये मूवी कहीं भी शेरशाह से कम नहीं लगी, दोनों ही टक्करी कॉम्पिटिशन है अगर VFX को हटा दिया जाए तो, और वैसे भी दोनों ही ट्रू स्टोरी पर बेस्ड है तो इससे बेटर और क्या हो सकता है कि हमें ट्रू इंस्पायरिंग स्टोरीज को हमें पर्दे पर देखने को मिल रहा है। एंड यू विल फील प्राउड कि यार ऐसे भी लोग हैं हमारी कंट्री में जो कि खुद को सेक्रीफाइस करते हैं अपनी कंट्री के लिए, एंड ऐसी मूवीज़ ज़रूर बननी चाहिए एंड हमें खुल के सपोर्ट करना चाहिए ऐसी मूवीज़ को जिससे हम अपनी हिस्ट्री को याद रख सकें। मेरा ये रिव्यू कैसा लगा आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना, एंड कुछ कमी रही हो तो वो भी नीचे बता देना, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना, सब्सक्राइब तो कर दो ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। मेरे मरने का मातम मत करना, मैंने खुद ये शहादत चुनी है, मैं जीता हूँ मरने के लिए, मेरा नाम है सिपाही।